إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين الحمد لله آج सितंबर 2023 को संडे के दिन हमारी यह कुरान क्लास नंबर 160 160 नंबर की स्टूडियो रिकॉर्डिंग होने जा रही है आज इनशा हम सूर्य यूसुफ की आयत नंबर 33 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे पिछली दफा गुफ्तगु कंक्लूड हुई थी कि अजीज मिस्र की जो बीवी है उसने बाकी जो अफसरान थे उनकी औरतों को एक दावत पर मदू किया और सैदाना यूसुफ सलाम को हुक्म दिया कि उस मजलिस में आए और उनके हुसन से मुतासर होकर औरतों ने अपने हाथ काट लिए यानी उंगलियों को जख्मी कर लिया और उसके बाद फिर अजीज मिस्र की जो औरत थी जुलैखा उसने इस हवाले से उन औरतों को कहा कि मैंने इसे बुराई की तरफ आमादा किया लेकिन ये मेरी तरफ नहीं आया अगर इसने मेरा हुक्म ना माना यानी वो अभी भी डटी हुई थी उस बगावत के ऊपर तो मैं इसे जेल में डलवा दूंगी तो आयत नंबर थर्टी थ्री से ऑनवर्ड हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर है कि वो दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बुराई में इन्वॉल्व होने से बेहतर है कि मुझे जेल की तकलीफ काटनी पड़े और बगैर किसी गुनाह के गुनाह से बचने की पादाश में गुनाह करने की पादाश में नहीं ये है मरतबा अम्बिया कराम مما يدعونني बिसमिल्लामानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर दुआ करते हुए अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कैद खाना जेल कबूल है इस गुनाह के बसबब कि जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही है इसके अगेंस्ट इससे बचने के लिए मुझे जेल कबूल है व अन्नी और अगर तूने अपने महज नायत से इस फितने से मुझे ना बचाया कई दाहुन जो इनकी चालें हैं इन औरतों की और ये जमा के सीघे से तो यही लग रहा है कि ये बाकी औरतें भी इसमें शामिल हो गई पहले तो एक उनके ऊपर मुसलत हुई थी अब ये बाकी औरतें भी उसमें शामिल हो गई असबाहन तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके इस जाल में फंस जाऊं और नादानों में शामिल हो जाऊं यह अलैहि सलाम की आर्जी थी कि उन्होंने अपने नफ्स की बुराई से बचने के लिए अपने नफ्स को अपने रब के हवाले किया और कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस गुनाह से नहीं बच सकता अल्लाह तू ही मुझे बचा अल अल-मुस्तदरक हाकिम के अंदर एक हदीस है जो हमने अपने ब्लू कार्ड के ऊपर भी डाली है फातिमा फातमा सलामुल से नबील अस््लाम ने ऐ मेरी बेटी तू मुझसे से क्यों नहीं वो तोहफा लेती और वो तोहफा था दुआ का तो उन्होंने अर्ज किया कि अबाजान जरूर दें तो नबील अस्ताम ने फरमाया कि सुबह शाम एक दफ़ा ये पढ़ गया करो या है या क्यूम बेरहमती का अस्तगी असलिखली शनी कुल्ला वाला तकनी अफसी तरफ खुद से जिंदा हर चीज को थामने वाले मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद का सवाल करता हूं या हयू या कैंूम बेरोहमति का अस्तगीर अगले अल्फाज जो हैं कमाल के हैं असलिखली शनी कुल्ला मेरे लिए इसलाह फरमा दे हर अमल के अंदर वला तकिलनी इला नफसी तरफ आइन और ए अल्लाह मुझे पलक झपकने के बराबर भी कभी मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना तू नहीं मुझे संभालना ये ऐसी कमाल की दुआ है ये सुबह शाम के असकार में हमने इसीलिए डाली हुई है कि ये सईदा फातिमा को नबी इस्लाम ने बुला के कहा कि बेटी ले ले मुझसे ये दुआ खातून जन्नत को ये दुआ तालीम की गई यहां पर भी देख लें यूसफ इस्लाम क्या कह रहे कि अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से ना बचाया तो मैं गुनागारों में शामिल हो जाऊंगा तू ही मेरा पुष्पना बन जा और पुष्पना जब अल्लाह ताला हो तो बगैर इसबाब के भी कोई बचने की सबील निकाल सकता है लेकिन यूसुफ इस्लाम को भी पता था कि ये जो मेरी रिक्वेस्ट है वो किसी और तकलीफ के साथ जरूर जुड़ी हुई होगी क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने इसबाब के साथ जोड़ा है वो वैसे भी तो दुआ कर सकते थे अल्लाह मुझे जेल से भी बचा ले इन औरतों से भी बचा ले जिस हम जितनी कैलकुलेटेड दुआएं करते हैं ना ये भी ना हो ये भी ना हो ये भी ना हो ऐसा तो नहीं होता भाई व नक्स मिनल मिन अमवाल वल अनफुसी वस्ता मारात यह अल्लाह ने जरूर आसमाना है तो पैगम्बर चूके अला दर्जे की तोहिद रखते हैं उन्हें अल्लाह तबारक वाल की शनाख्त होती है तो उन्हें यह पता होता है कि ये चीजें फिर किसी तकलीफ के साथ जुड़ी होगी बुखारी मुस्म हदीस है कि मुसलमान को जो कोई भी तकलीफ पहुंचती है कोई दुख दर्द अंदेशा कोई जेनी टेंशन हत्या के पाओ में कांटा भी चुभ जाए तो इसके बदले भी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है तो ये तकलीफों के साथ मामला जुड़ा हुआ है बल्कि बुखारी में तो एक बड़ी हैरानकुन हदीस है नबीसलाम ने फ तला जिसके साथ भाई का इरादा फरमाता है उसे तकलीफ में मुबतला कर देता है बड़ी हैरान कन बात है एक तो वह हदीस है ना कि अल्लाह तला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिका फरमा देता है वह भी बुखारी में हदीस ये भी बुखारी में है कि जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको तकलीफ में मुबतला कर देता है इन नसरन इन न मायलोश्री युसरा हर मुश्किल के साथ आसानी है हर मुश्किल के साथ आसानी है इसको वाइस वर्षा कर ले हर आसानी किसी मुश्किल के बाद आने वाली है हर आसानी किसी मुश्किल के बाद आने वाली है औलाद जैसी नेमत के लिए भी अल्लाह ताला ने औरत को प्रेगनेंसी की तकलीफ से और डिलीवरी की तकलीफ से गुजारा है यहां पर भी यूसुफ अल्लाम इतनी बड़ी अल्लाह ताला से डिमांड रख रहे हैं तो उन्होंने फिर अल्लाह के हजूर अर्ज की कि मुझे जेल कबूल है इसके बस कि मैं गुनाह से बस बच जाऊं तेरी ना फरमानी ना करूं इसके बदले मुझे जेल भी जाना पड़ता है ना तो मैं जाने के लिए तैयार हूं फस तजा बलह रब बस उसके रब ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया फरफ अन हूं कई दुन और उन औरतों के मकर वेब को उससे दूर कर दिया हुआ बेशक वही सुनने वाला है इल्म वाला है यानी सुनना इल्म रखना और उसके बाद किसी को नवाजना ये सिर्फ अल्लाह की खूबी है इसलिए तो हमारे महबूबू इस्लाम ने जो हमें दुआ सिखाई है अबू दाऊद में तिरजी में आऊद बिल्लास समीरिम शई तौन ये समी और अलीम नबी इस्लाम ने अद बिल्ला के साथ अटैच किया है आऊद बिल्लाम शही तोम व नफी ही व नफसी बसमान रही तो यहां पर अल्लाह तला ने दुआ कबूल कर ली किसी के जहन में ये वसा आ सकता है कि ये दुआ कबूल हुई है उस जेल के बस तो इसमें यूसुफ असलाम के ऊपर अल्लाह तला ने कौन सी इनायत कर दी बहुत बड़ी इनायत है अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो औरतें उसी जिद के ऊपर अड़ी रहती वो तो धमकी लगा रही थी ना कि जेल में तुझे पहुंचा देंगे जेल में ना पहुंचाती वो बार बार उस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करती मुझे बताएं एक दफा तो यूसुफ इस्लाम को अल्लाह ने बचा लिया अपनी बुरहान दिखाकर अगर इसी टेस्ट से उनको बार बार गुजारा जाता तो हर दफा तो कोई बुरहान नहीं आनी थी तो तकलीफदेह चीज थी तो वो बार बार उस तकलीफ से नहीं गुजारा बल्कि सीधा जेल ही पहुंचा दिया तो ये अल्लाह तला की गरवाजी थी यूसुफ़ असलाम के ऊपर बदालम बायात फिर ये पूरे एपिसोड के बाद मुनासिब यही मालूम हुआ हजर यूसुफ़ असलाम के उन मुखालिफिन को जो शैतानी एक एजेंट बनी हुई थी औरतें आयात जब उन्होंने इस्लाम की जिंदगी में ये पाकबाजी की निशानियां देखी लयस नू है कि वो उसे कुछ अरसा के लिए कैद कर दे ताकि ये वक्ती तौर पर इशू एड्रेस हो जाए क्योंकि उनकी अपनी जिद भी तो स्टेक पर लगी हुई थी ना इस्लाम की तो लोग तारीफ ही कर रहे होंगे तो जब कोई जेल में चला जाता है तो वकती तौर पर इश्यूज दब जाते हैं यहां पॉलिटिकल लीडर्स को भी इसीलिए जेल में भेजा जाता है वरना वो बाहर बैठेंगे तो रोजाना कोई को ना कोई खिताब करेंगे रोजाना कोई ना कोई नई बात लेके आएंगे अगर उन्हें जेल में डाल दिया जाए तो कुछ अरसे के लिए सुकून हो जाता है ये तो आपने देखा है हाँ इधर भी वरना रोजाना कौन से खिताब हो रहा होता था तो किसी दर्जे तक इश्यू एड्रेस हो जाते हैं यहां पर भी आप देखें उन्होंने कहा कि ठीक है जेल में डालो ये टॉपिक तो डिस्कस होना बंद हो जाएगा ना वरना तो चार बंदे जाके से पूछें गे के हजरत के हो सारी ने होया सी बंदरतान उठ लिया बार बार चीजें डिस्कस होनी थी ना और फिर और खबर फैलनी थी और औरतों की बदनामी होनी थी लेकिन जब वो बंदा ही जेल में चला गया उसका कोई इंटरव्यू नहीं कर सकता उसे कोई पूछ नहीं सकता कि भाई उस दिन क्या हुआ था तो मामला डाइल्यूट हो जाता है ये यानी ये मेरा ख्याल है हमारी स्टैब्लिशमेंट ने कुरान पाक से कोई और बात ली है नहीं ली ये वाली बात जरूर ले ली है यूसफ्लाम के इस वाक्य से अब जनाब जेल में वो पहुंच चुके हैं ये आगे चल के आएगा कि ये दस साल वो जेल में रहे बिद आसिन अरबी में बिद आसिन दस से कम नौ साढ़े नौ तक के सालों को बोला जाता है बहुत तकलीफ दे चीज थी उनके लिए और वो जो फिल्म बनाई है ईरान वालों ने ड्रामा सीरियल फोर्टी फाइव एक साथ में उसमें उन्होंने जेल के चांद एक दिन ही फिल्माए हैं यकीन करें वो तो जेल में जो कुछ उन्होंने दिखाया है वो देख के इंसान परेशान हो जाता है कि जेल की जिंदगी कितनी मुश्किल है हालांकि हकीकत उससे भी ज़्यादा तलख थी लेकिन वो पैगंबर थे अल्लाह तला ने उनके अखलाक की बरकत से सब लोगों को उनका गैरवीदा वहाँ पर बना दिया और लोग अपने मसले उनसे डिस्कस करते थे जाहिर है कि पैगम्बर बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं लोगों के साथ हमदर्दी रखने वाले लोगों का दुख बटाने वाले बस इसी हालत में कोई दो फॉलोअर्स बन के आगे उनके उनका ज़िक्र आ रहा है कि दो नौजवान उन्होंने कहा हज़रत आप इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हमने इस तरह ख्वाब देखा है आप हमें पढ़े लिखे लगते हैं समझदार लगते हैं अगर आपसे हो सके तो हमें इन ख्वाबों की ताबीर बताएं व दखला माउस सिजना फतेयान और दाखिल हुए आपके साथ कैद खाने में दो नौजवान अला अहद हम उन दोनों में से एक ने अर्ज की इन्नी आरानी मैंने ख्वाब में देखा है आसिरुखमर रहा कि मैं शराब नचोड़ रहा हूं अंगूरों से शराब नचोड़ रहा हूं और ये बकायदा उन्होंने ख्वाब भी उसमें फिल्माई है उनको ख्वाब की हालत में दिखाया है और जिस तरीके से वो वाकई इतने गुलगुथने किस्म के अंगूर वो निचोड़ते हैं और वो वाकई देखे पुराने ज़माने के बादशाह तो हर चीज़ ही औरिजिनल होती थी जनाब प्रिजरवेटिव फूड्स तो नहीं होते थे अनार के बाग लगे हुए हैं अंगूर के बाग लगे हुए हैं और रियल टाइम जना वहां जाके सीधा वो हाथ डालता है जूस निकालता है और आगे बादशाह को पेश करता है वकॉल आ खरू और दूसरे ने कहा इन्नी आरानी अहमिलू फी खूब जा मैंने देखा है कि मैंने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है एक टोकरा ऐसा जिसके अंदर रोटियां हैं तय मिन, जिसमें से परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं निक ना बितावी आप हमें इसकी ताबीर बता दीजिए इन्ना नराका मिनल महसिन बेशक हम आपको बड़ा नेकोकार पाते हैं यानी आपका किरदार इतना अच्छा है कि हमने आप पर एतमाद किया है कि हम आपके फॉलोअर बन जाए तो आप हमें बताइए अब जब फॉलोअर्स खुद चल के आए और पैगम्बरों के पास आए तो ये हो ही नहीं सकता कि पैगम्बर अपने रब की दावत उनके सामने ना रखें पैगम्बरों का तो दुनिया में आने का मकसद ही अल्लाह ताला का तारुफ करवाना है काम फंसा हुआ था उन नौजवानों का तो यूसफ अल इस्लाम ने इस मौके को गनीमत जाना कि मैं अल्लाह तला की उस अता से जो मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अल्लाह ने सिखाया है जो स्टार्ट में आया था यकूल अलैहिस्सलाम ने भी कहा था कि बेटा अल्लाह ताला तुझे मामला फहमी भी सिखाएगा ख्वा की ताबीर का इल्म भी सिखाएगा तो मुझे तो पता है लेकिन मैं किसी तरीके से किसी बहाने से तोहद की दावत भी सामने रखूं ताकि बात पहुँच जाए जिस तरह हम भी अपनी कुरान क्लासिस मेंलमी मजालस के अंदर पब्लिक सेशनस के अंदर कोशिश करते हैं कभी मजाक के जरिए कभी सीरियस मूड के अंदर कभी को वाक्य सुनाकर कोई बात पहुंचा दें जिसके जरिए किसी के अकीदे की असलाह हो यानी एक दरवाज़ा खुलता है जिसके जरिए आप बात कर सकते हैं तो ये मौका हजरत यूसुफ़ इस्लाम को मिला तो उन्होंने फरमाया तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा खाना जेल में आता है ना तुम्हारे लिए जो तुम्हें खिलाया जाता है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा इल्ला मगर यह के नब्बा बितावी अबला वो तुम दोनों के पास आके खाना पेश किया जाए उससे पहले पहले मैं तुम्हें तुम दोनों के ख्वाबों की जो ताबीर है वो बता दूंगा बात स्टार्ट ने कितने जबरदस्त अंदाज में की है कि कहीं अगर वो डायरेक्ट दावतें तो ही शुरू करते तो वो नौजवान सोचते हैं कि अब पता नहीं ये तकरीर कब खत्म होगी जो बात हमने पूछी है उसका जवाब कब मिलेगा तो वो पहली तसली करवा दी जिस तरह हम भी लोगों को पूरा शेड्यूल बताते हैं कि भाई इस टाइम आप एंट्रेंस टाइम है इस टाइम हमारा ये सेशन स्टार्ट होगा फिर जहरा लोगों ने वापस भी जाना होता है उनको बता देते हैं कि भाई इस वक्त जाके तस्वीरों का वक्फा और ये अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त आप फारिग हो जाएंगे फिर लोगों को सबर आ जाता है कि ये ना हो कि मतलब क्योंकि लोग तो इजमा के आदि हैं वो दो दो तीन तीन दिन भी वहां रहते हैं रायवेंड में मुल्तान में तो इस तरह बताने से अगले को सबर आ जाता है वो प्लान कर लेता है कि अच्छा इतने बजे होगा फिर यूं फारग हो जाऊंगा मैं चले इसको मैनेज कर लूंगा तो इसके बाद वो पुरसकून रख के यहां पर बैठते हैं कि यार जो भी हुआ जितने बजे भी वो आया लेकिन कम अज़ कम इतने बजे हम छूट जाएंगे यहां पर भी यूसुफ इस्लाम ने उन्हें कहा कि भाई मैं ये ताबी तुम्हें जरूर बताऊंगा और जिस खाने के इंतजार में हम बैठे हुए हैं गपशप कर रहे हैं उसके आने से पहले पहले बता दूंगा लिहाजा अब मेरी बात आपने जरा गौर से सुननी है ये असल में वो कहना चाह रहे थे जाल मिमा अल्लामानी रब्बी ये उसमें से है जो अल्लाह तला ने मेरे रब ने मुझे सिखाया है ये वो इल्म है यानी ख्वाबों की ताबीर का अच्छा ये लफ्स उर्दू में हम लिखते हैं ना ख्वाब खा वलिफ और बा ख्वाब लिखा जाता है लेकिन ये पढ़ने में ख्वाब होता है यानी वाओ साइलेंट है ये पढ़ा कैसे जाएगा खा अलिफ और बा ख्वाब लेकिन लिखने में ख्वाब होता है पढ़ने में ख्वाब तो ये उस इल्म में से जो अल्लाह ताला ने मेरे रब ने मुझे सिखाया है अब वो दावत तो ही शुरू हो रही है जी इन्नी तरक् मिल्ला बेशक देखो मैंने तो छोड़ दिया है उस कौम का दीन कि जो अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान नहीं रखते इसका ये मतलब नहीं कि पहले कोई माज अर कर रहे थे मुराद ये कि मैं ऐलान बरद करता हूं अपनी कौम के दीन से जो कि बुराई के अंदर इन्वाल्व है शिर की वहम बिल आखिरती हम का आफिरून और आखिरत के मामले में भी वह कुफर की रविश इख्तियार किए हुए हैं अच्छा इससे यही लग रहा है कि इन्होंने इस कौम से मुराद वही मिसर की कौम ही ली है क्योंकि जाहिर है प्रैक्टिकली तो अपनी प्रीवियस हिस्ट्री तो वो उनको नहीं बता रहे थे कि मैं शाम से चला वहाँ तो अहले तोहहीद थे बनी इसराइल थे लेकिन यहां पे शिरक था मिस्र की सरजमीन के अंदर तो उन्होंने प्रेजेंट इस तरह किया कि मैंने तो ऐसी कौम को छोड़ दिया है कि जो अल्लाह से शिर करती है आखरत का इनकार करती है वह तबाह मिल्ल आबाइ इब ही इसहाकूब और मैं तो पैरोकार बन गया हूं अपने अबा ज़दाद की मिल्लत का इबरिम इसहाकाम और याकूब वही जो बुखारी में हदीस है करीम इबन करीम इबन करीम इबन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्रीम और नबी इस्लाम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है तो नबी इस्लाम ने फरमाया ये बुखारी के अल्फाज हैं कि यूसुफ अल इस्लाम लोगों में सबसे बेहतरीन है कि जिनका बाप भी पैगंबर था दादा भी पैगंबर था और परदादा भी पैगंबर था यह भी बुखारी की हदीस है वाकई कितना आला दर्जे का यह शजर है यह दो हदीसें बुखारी की मैंने इसलिए बयान की कि बाज लोग इससे अपने बुजुर्गों का दीन साबित करते हैं वो कहते हैं ये यूसुफ अलैहि सलाम की सुन्नत है कि अगर आपका अब्बा हनफी है तो आपने अन्फी होना है तो इसका फिर फकी वाला जवाब है कि अगर किसी का अब्बा कादियानी है तो औलाद को कादियानी होना चाहिए नहीं जी उसे तहकीक करनी चाहिए वाह कि उसे क्यों तहकीक करनी चाहिए तहकीक सबको करनी होगी दूसरी बात यूसुफ इस्लाम जिन आबाउजदाद की पैरवी की बात कर रहे हैं वो तो अंबिया हैं वो बाबे नहीं है वो अल्लाह के नामजद पैगंबर है उनके लिए तो गुमराही का तस्वर ही नहीं है अगर किसी का बाप दादा पर दादा पैगंबर है तो वो फखर से कहे कि मैं अपने आबाउजदाद के तरीके के ऊपर हूं लेकिन जिनके अबाउद कोई हिंदुओं की औलाद कोई सिखोंगी औलाद और कॉन्फिडेंस ये है कि कुरान सुन्नत दिखाएं और मानने के लिए तैयार ना हो तो उनके लिए फिर मैं यही कहता हूं कि गरीब ऊ बदतमीज यानी इलमी तौर पर यतीम और गरीब और ऊपर से बदतमीजी ये कि कॉन्फिडेंस और रूज पे है क्योंकि हमने तो आज तक ऐसी को बात सुनी नहीं और भाई आपने कहां से सुननी थी ना आपने कुरान सुन्नत पढ़ी ना आपके अबा ने पढ़ी लिहाजा ये आयत कोट करके ये कहना है कि यूसुला इस्लाम की सुन्नत है अपने आबाओजदाद के तरीके के ऊपर अगरचे कुरान में दर्जनों आयात हैं बकरा में लुकमान में बाकी सूरतों में कि काफिरों को जब भी कहा जाता है कि उस वही की पैरवी करो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भेजी है नबी के जरिए तो कहते हैं हम तो उसी तरीके पर रहेंगे जिस पर हमने अपने अबाओजदाद को पाया तो अल्लाह तला बात है अगरचे तुम्हारे आबाओजदाद गुमरा ही हो तब भी उसी की पैरवी करोगे वह सारी आयतरीन को नजर आती एक आयत यह वाली नजर आती है कि यूसल इस्लाम ने कहा था मैं भी अपने अबदाद के तरीके के ऊपर हूं और वो दर्जनों आयात जिनके अंदर वहीदे हैं के जन्नम में जब जन्नमी पहुंच जाएंगे सूरत अजाब के आखिरी हिस्से में जाके तो कहेंगे अल्लाह हमारे बुजुर्गों को हमारे अबाजदाद को हमारे बड़ों को दुगना अजाब दे के जिनकी वजह से हम यहां पे पहुंचे हैं वहां भी जो अबा का जिक्र है जो इनके अबा का जिक्र था वो सारी आयात उन्होंने ओवर लुक की हुई है और ये लेते हैं और ये देखें कि कहा अल्लाह के मुकरर करदा बाबे जो ओरिजिनल बाबे हैं और कहां तुम्हारे जाली बाबे तो यही तो हमने अर्ज किया है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं बाबे थे शाय ही कोई नहीं हाँ हाँ अगर अंबिया हो तो वो ओरिजिनल बाबे हैं माकानलाना अनुशरी का बिल्लाई हमारे लिए कभी भी यह रवा नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी भी हस्ती को शरीक ठहराएं ये अल्लाह का फजल है नास हम पर और लोगों पर यानी हम पर मुराद हम अम्बिया की फैमिली के ऊपर और उन लोगों पर जो हम अम्बिया की फैमिली को फॉलो करने वाली है वला अक्सर न अकसरन ना सिला लेकिन अक्सर लोग इस एहसान के ऊपर शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार नहीं करते और एक माना यह भी हो सकता है कि यह अल्लाह तला का एहसान है हम पर भी और लोगों पर भी कि अल्लाह ताली अपने पैगम्बरों के ज़रिए हक बात पहुंचा देता है लेकिन अक्सर लोग शक्र की रविश इख्तियार नहीं करते बहुत कम ही लोग हैं जो अम्बिया कराम की दावत को कबूल करते हैं ये भी माना इसका हो सकता है अब तो जनाब ये तो अभी ये सिंगल्स थे अब छक्के मार रहे हैं जनाब यूसुअलाम या साहिब ए मेरे कैद खाने के साथियों देखें इसके अंदर भी कितनी आर्जी छुपी हुई है ये नहीं कहा कि मेरे फॉलोअर्स ए मेरे, मेरे स्टूडेंट्स अ मेरे कैद के साथियों मैं भी तुम्हारी हूं मर्तबे में नहीं लेकिन अब कराम उसी स्पीशी में आते हैं जिनके लिए उनको भेजा जाता है सूर्य बनी इजराइल में है कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में से پیغمبر बनाते हैं ए मेरे कैद खाने के साथियों अ अरबाब मुतफरिकून खैरु अमिल्लाहुल वाहिदुल कहहार मुझे बताओ कि जुदा जुदा मुख्तलिफ किस्म के रब वो बेहतर हैं या एक अकेला अल्लाह जो वाहिद यकता है सब पर छाया हुआ है अलका हार है यानी इतने मबूद बेहतर क्या हो जाए इंसान वो बेहतर इसका मतलब यह है कि वहां पर वो देवताओं का कॉन्सेप्ट मौजूद था और बाकी यह मजमून कुरान में अल्लाह तला ने मुख्तलिफ जगह के ऊपर फिर खोला है कि एक ही अल्लाह हो तो एक कायनात का निजाम चल सकता है दुनिया में भी किसी कंपनी का सीईओ हेड एक ही होता है उसके नीचे असिस्टेंट हो सकते हैं लेकिन टॉप के ऊपर हमेशा एक बंदा होता है दुनिया का निजाम नहीं चल सकता खानदानी निजाम है ना टॉप पे अल्लाह ने मर्द को रखा है क्योंकि एक से ज्यादा लीडर्स अगर होंगे तो सत्यानाश होगा किसी भी जमात का किसी भी मुल्क का कोई इधर खींचेगा अपने फॉलोअर्स को कोई उधर खींचेगा हाँ ये तो कुरान में भी लिखा हुआ है अल्लाह तला सुरतलम में फरमाता है कि अगर अल्लाह के सिवा और इला भी होते तो जब झगड़ा होता तो हर इला अपनी मखलूक को लेकर अपने फॉलोअर्स को लेकर साइड पर हो जाता ये कुरान की आयत है हाँ फिर सूर्य बनी इसराइल में आया कि अगर अल्लाह के सिवा और इला भी होते तो जरूर वो अर्श का रास्ता तलाश करते ताकि अर्श पे कब्जा करके वो बड़े खुदा बन जाए और सूरत लंबिया में आया कि अल्लाह के साथ अगर कोई और इला होता तो जमीन व आसमान का निजाम दरहम बरहम हो जाता क्योंकि ये तो हर मसले में ही कुरानदाजी होती झगड़े हो जाते ये तो दो की शक्ल में है तीन चार पांच छह ज्यादा हो तो फिर तो फिक्टोरियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा वो इतनी कंप्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी वो तो प्रॉबेबिलिटी वाला मसला बन जाएगा तो ऐसा हो नहीं सकता बताओ क्या एक खुदा जो सब पे छाया हुआ है वो महबूत अच्छा या मुतफरक कई देवता अच्छा देखें जो एक अल्लाह का हो जाता है ना तो अल्लाह ताला फिर उसे ऐसा सुकून अदा करता है कि वो सारी गुलामी की जंजीरों को तोड़ देता है जो लोग तोहीद में कामिल नहीं आप उनके अंदर कमजोरी देखें कितनी है किसी दरबार को देखेंगे झुक के गुजरेंगे किसी झंडे को देखेंगे उसे सलामी देंगे हर टाइम डर लगा रहेगा ठीक है जी जी ये फलां जो शहर है ये फलां बुजुर्ग के वाले लिहाजा उस शहर में जब जाए तो पहले वहां हाजरी थे अब इस्लामाबाद में बड़ी महा मज़ार है वो कहते हैं जी पहले उनके माँ बाप के मजार पर जाना है अगर आप डायरेक्ट गए ना तो आपका कोई नुकसान हो जाएगा इसी तरीके से सुल्तान बाऊ के मज़ार वो कहते हैं पहले माई बाप के मज़ार के ऊपर जाना है इतने फिर जब आपने खड़े किए होंगे तो कभी किसी से डर रहे होंगे कभी किसी से डर रहे होंगे कभी किसी से डर रहे होंगे और जब एक अल्लाह के हो जाएंगे तो फिर सरकार आपने यही कहना कि बाबे कोई नहीं सीधी सी बात है एक अल्लाह के मानने वाले एक पैगंबर के मानने वाले बन जाए माता असमूहा तुम नहीं पूज रहे हो अल्लाह के सिवा और हस्तियों को मगर ये कि वो चंद नाम है जो रख लिए हैं अं तुम व आबाउकुम तुमने और तुम्हारे अबा ने मा अन सल्लाहा सुल्तान अल्ला ताला ने इसके लिए कोई सनद नाजिल नहीं की थी ये तुम्हारे अबाओजाद ने और तुमने चंद नाम हैं जो रख लिए हैं जिनको तुम पुकार रहे हो यानी उनके पीछे हस्तियां भी कोई नहीं है खाली नाम ही है बाजो तो अम्बिया की शक्ल में हस्तियां होती थी फरिश्तों की शकल में जिस तरह मनात उजा ये फरिश्तों के नाम उन्होंने फीमेल्स नाम रखे हुए थे उसकी भी अल्लाह ने कोई सर अंदाजिल नहीं की और बाजूक सिर्फ नाम ही होते थे मतलब यहां पर भी आप देख लें कावा वाली सरकार कुत्ते वाली सरकार बिलियों वाली सरकार ठीक है अजीब व गरीब किस्म की यानी नाम मशहूर हुए में बाजूक़ात उसके पीछे कोई हकीकत ही नहीं लेकिन वो नाम चल रहे हैं अबा अजदास से ये वही चीज़ है हमने तो शुरू से ऐसे ही देखा होते है होते हुए अल्लाह तौल हमारा हमने तो इसकी कोई सरअाजिल नहीं की थी इनकम क्म तो नहीं है मगर सिर्फ अल्लाह का अल्लाह का ऑर्डर चलेगा अगर अल्लाह पाबंद करेगा किसी हस्ती के बारे में तो ठीक है पैरवी करेंगे आप उसकी हम पे की पैरवी क्यों करते हैं इस लेवल पे करते हैं कि हैरान कन हद तक कुरान की जो ये आयत है सूर्य की आयत नंबर एटी मैं रसूल अल्लाह जिसने रसूल की इतात की उसने अल्लाह की इतात की ये करके देखें हमारे अंदर कभी भी शिरक वाली बात पैदा ही नहीं होती क्योंकि ये अल्लाह ने मुकर्र किया ना तो हमें कभी ख्याल भी नहीं आता कि रसूल की तात करने से अल्लाह की तात होना इसमें कोई शिरक वाला मामला है नहीं वो अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है इसलिए कि हमारे पैगंबर ने भी हमें यही सिखाया है कि रब वही है मालिक वही है राजिक वही है जिंदा करना मौत देना अच्छी या बुरी तकदीर का फैसला करना यह उसके इख्तियार में मैं ज्यादा से ज्यादा उसका बंद हूं दुआ कर सकता हूँ बाकी उसकी मर्जी तो पैगम्बरों की इतात में कभी भी नुकसान नहीं होता इल्ला ये कि कोई पैगम्बरों की इतात से हटे और नाउद बिल्ला उन्हीं पैगम्बरों के अंदर खुदा को तलाश करने की इस हवाले से कोशिश करे कि उनके बारे में डिविटी क्लेम कर दे जिस तरह क्रिश्चन ने की कि ई ने मरियम ही अल्लाह है नाउजबिल्ला लकद कफर गफर कल अलाम तो फिर जहर अल्लाह ने तो ही करनी थी तो बड़ा सख्त गाड़ा जुमला बोला अल्लाह तला ने फिर शई आ है नी इनसे फरमा दो अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे ईसाब ने मरियम को उनकी मां को और जितने जमीन में इनको हलाक कर दे अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा फिर तो ही जब इस्टैब्लिश करनी थी फिर जाहिर है कि पेमरों को सेंटर्ड करके इतने सख्त जुमले बोलने पड़े फिर सूरत में आगे चल के आया कि ईसा उनकी मां रोटी खाने के मोहताज थे ऐसों को अपने नुकसान और नफे का मालिक मान रहे हो जो खुद अपने नफा नुकसान के मालिक नहीं है मगर जो अल्लाह उनके लिए चाहता है तो फिर इस लेवल के ऊपर तोहिद बयान होती है और फिर नबी नबीसलाम की अदीज बुहारी में देखना मेरी शान को उस बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना तो हुक्म तो चलेगा अल्लाह का अमरा अल्लाह अल्लाहबाह उसी ने ही हुक्म दिया है कि मत पूजना किसी को सवाए उसके ये है सीधा सीधा कायम दीन मिल इब्राहिमी वाला दीन वाला किन्ना सीलामून लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से ना वाकिफ हैं ये जनाब तो की बात उन्होंने कर दी और फिर अब उन्होंने कहा अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी आता है जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना ख्वाब की ताबीर दोनों ने पूछी थी तो सुनो या सा मेरे कैद खाना के दोस्तों साथियों अम्मा अहदुकुमा फयस्की और बहु खमरा तुम दोनों में से एक के खाब की ताबीर तो यह है कि अन वो अपने रब को शराब पिलाएगा यहां रब से मुराद अपना आका यानी कि वो मालिक सूर्य यूसुफ में रब का लफ्ज मालिक के लिए भी आया है इससे पहले आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से भी सुन चुके हैं कि अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा ने उन्हें बुराई की तरफ बुलाया तो उन्होंने अपने मालिक की तारीफ करते हुए कहा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं जिस बुराई की तरफ तू मुझे बुला रही है कॉला मज नहू रब्बी आहसना मसवा बेशक जो मेरा रब है मेरा मालिक है उसने तो मुझे बड़े हुसने सरूक से रखा है यहां रब और मालिक से मुराद उस औरत का खामन था तो मैं उसके साथ ख्यानत कर दूं कि उसकी बीवी के साथ कोई ऐसी बुराई वाला मामला करूं तो ये इस सूरत का उसलूब है कि यहां रब का लफ्ज मालिक के लिए भी इस्तेमाल हुआ है लिहाजा ये असल है इस बात की कि टर्म्स के तौर पर अगर कोई अल्फाज आप यूज करें तो यह जायजा है जैसा कि उर्दू जुबान के अंदर आपने एक लफ्ज बड़ा सुना होगा ना ये असल में फारसी जुबान से लफ्ज आया यह लफ्ज था नाओ खुदा नाव कहते हैं किश्ती को और खुदा कहते हैं निजाम के चलाने वाले को नाव खुदा किश्ती का चलाने वाला जैसे आप कहते हैं ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर अब ड्राइवर का लफ्ज तो कॉमन होता है उसके साथ फिर कभी बस आ जाता है ट्रक आ जाता है तो नाव खुदा नाव कहते हैं किश्ती को खुदा उसका चलाने वाला लेकिन ये बोलने में जरा एक लंबा सा लफ्ज था तो वो बीच में से वाओ उड़ा के तो उसको मुख्तसर किया जिस तरह उर्दू में कई और अल्फाज भी मुख्तर हो गए अक्सर ये काम शौरा ने किए हैं क्योंकि उन्होंने अपने शेरों में जब वजन बिठाना होता था तो बात ऐसे अल्फाज आते थे कि वह शेर की रवानगी को तोड़ते थे मसलन कहते हैं अल्लाह की शान लफ्ज तो शान है और अरबी से है कुल्ला यूमिन हुआ फी शान लेकिन हम नून गुन्ना के साथ भी शान लिखते हैं तो वहां हम शान की बजाय शाम भी इस्तेमाल कर लेते हैं नून हुन्ना ताकि वो उसकी प्रोनाउंसिएशन आसान हो जाए नून की जगह ये नून गुन्ना यानी बगैर नून के नुकते वाली जो आई है ये जितनी है ये अल्फाज को मुख्तर करने के लिए तो ना खुदा बन गया ना खुदा यानी किश्ती का मल्ला हालांकि खुदा तो हम अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं वह ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है। ला इलाह अल्लाह के सिवा खुदा कोई खुदा नहीं अच्छा अब वो मबूद को उन्होंने खुदा कर दिया यानी खुदा जिसकी परस्तिश की जाए पूजा जाए अब यहां पे जब खुदा का लफ्ज आएगा फिर ये वो किश्ती वाला खुदा नहीं होगा ये महबूद के मानों में आएगा महबूद के मानों में तो खुदा फिर एक ही है लेकिन निजाम चलाने के मानों में आप रब खुदा बाप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कोई बीवी अपने खामद के लिए इस्तेमाल कर सकती है तो यह सरकम बताएंगे ये लफ्स किस लिए इस्तेमाल हो रहा है तो इसमें भी देखें यूसलाम कह रहे हैं कि अनकरीब तुम में से एक शख्स अपने रब को शराब पिलाएगा तो यूसुलाम ने शिरक तो नहीं किया रब का लफ्ज मालिक के लिए बोल के ये टर्म के तौर पर था इसी के तहत मैंने एक टर्म डिवाइस की थी उसके ऊपर अल्लाह के फजल से ब्रिलवियों ने भी क्लिप बनाए कि इंजीनियर साहब ने शिरक कर दिया मुझे बड़ी खुशी हुई कि ब्रिलवियो की जुबान पर शिरक लफ्ज तो आया वो तो कहते हैं शिर खत्म हो चुका है तो पहला फक्का तो यह शेर तो खत्म हो चुका है इंजीनियर साहब ने कहा से कर लिया तो खत्म हो चुका है इस में वो कहते हैं देखें इन्होंने कहा कि जन्नत में अल्लाह ताला इंसान को मिनी गॉड बना देगा तो खुदा तो एक है जन्नत में पहुंच के भी हालांकि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि खालिक और मखलूक का फर्क और ये गॉड की टर्म मैं इस एतबार से यूज कर रहा हूं कि ये खुदा की क्वालिटी थी कि जो इंसान ख्वाहिश करेगा वो उसे मिल जाएगा ये सिर्फ अल्लाह की क्वालिटी है कुन। अल्लाह ताला जन्नत में इससे भी एक स्टेप आगे कि इंसान जो दिल में भी सोचेगा ना कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाएगा कुन फून भी नहीं कहना पड़ेगा ख्वाहिश करेगा वो उसके सामने आ जाएगी तो इंसान के अंदर जो खुदाब बनने की ख्वाहिश है ना छुपी हुई ये है मैं आपको बता दू इसी वजह से इंसानों ने दावा खुदाई की है ये अल्लाह तला पूरी करेगा इस एतबार से कि आपकी मर्जी होगी आपकी जन्नत होगी बुखारी मुस्लिम मैं जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से दस गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी दस ज़मीनें पूरी प्लाट नहीं सरकार पूरी अर्थ के बराबर दस ज़मीनें ये उस जन्नती को मिलेंगी जो हजारों लाखों साल अपना अजाब भुगत के एंड पे जहन्नम से निकाला जाएगा उसके बाद कोई बंदा नहीं निकलेगा वो पक्के जन्मी होंगे जो काफिर होंगे उसे भी इस दुनिया से दस गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी और फिर वो जो चाहेगा उसे वहां पे होगा तो इस मानों में मैंने ये बात की थी कि हम उस खुदा से मोहब्बत क्यों ना करें जो अपनी खुदाई में अकेला था चाहता तो अकेला ही रहता उसने महज अपने फजल से हमें पैदा किया अपनी शिनाख्त करवाई और पैगंबरों के जरिए नूर आला नूर वाला मामला किया हम तो कुछ नहीं थे अब हमेशा के लिए उसने हमें भी बना दिया अब आप उस रब से प्यार करें मोहब्बत करें जिसने आपको हमेशा की जिंदगी दे दी है वो आपको पैदा भी ना करता तो पवान नहीं था आप मुझे बताएं ये चंद सालों की जिंदगी एक तकलीफ दे है इसके बाद अरबों साल की जो जिंदगी मिलने वाली है आप इसे कभी तस्वर करें तो इंसान वो पूरी जिंदगी भी शुक्र में गुजार देना तब भी उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता कि यह अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं थे तूने पैदा किया और हर लज्जत की अट्रैक्शन हमारे अंदर रखी हाँ वो खाने पीने की लज्जत हो सेक्स की लज्जत हो किसी और तरह की लज्जत हो अच्छे मकानात की लज्जत हो उड़ने की लजत हो सैर व्याहत करने की लजत हो ये सारी लजतें डाली उनकी तकमील भी करवा दी और फिर ऐसी तकमील करवाई कि हमेशा के लिए करवा दी तो अकेले खुदा ने अपनी सल्तनत में अपनी मखलूक को भी शरीक किया जो टेस्ट को पास करेंगे रहेंगी वो मखलूक ही खालिक वही है मबूद वही है लेकिन वो हुक्म उसका भी चलेगा जन्नत के अंदर जो अल्लाह तला उसे जन्नत देगा और क्या कमाल की चीज है कि अल्लाह हमेशा से था और हमेशा के लिए हम हमेशा से नहीं थे लेकिन हमेशा के लिए सरकार इस चीज को इमेजिन करें अल्लाह ताला ने अपनी यह क्वालिटी भी आपके साथ शेयर कर ली है खालिक और मखलूक का फर्क अपनी जगह मौजूद है ना अब अल्लाह को मौत आनी है जन्नत में अल्लाह को तो आनी नहीं ना हमें मौत आनी है और दूसरी क्वालिटी यह शेयर की गिवन सर्कमस्टांसिस में जितनी जन्नत आपको अल्लाह ने दी है ना वहां आपका ऑर्डर चलेगा आपकी ख्वाहिश के ऊपर और उसे फना भी नहीं होगा ये तो अल्लाह की क्वालिटी थी कि उसके खजानों में कमी नहीं आती थी जितना भी खर्च करे खजाने उतने ही रहते थे आपकी भी जन्नत उतनी ही रहेगी जितना मर्जी उसे खर्च करें जितनी देर के लिए मर्जी करें यह कॉन्सेप्ट आने के बाद आप अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हैं इसके बगैर अल्लाह तला से सिर्फ आप डर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है नफरत करेंगे किस मुसीबत में डाल दिया पता नहीं मेरा क्या बनना है जो नफरत वाले मामले में पढ़ते हैं वो कुफर की रविश इख्तियार कर लेते हैं डिलइल ऑफ गॉड कर देते हैं कि ठीक है जान ही छुड़ा ले जो दूसरे बचते हैं ना वो डर डर के जिंदगी गुजारते रहते हैं पता नहीं क्या बनेगा पता नहीं क्या बनेगा फसा देता नमाज ना पढ़ी कर देगा कर देगा और यकीन ऐसा है करेगा भी इससे ज्यादा ही करेगा जितना आप सोच रहे हैं तो मैं अक्सर सोचा करता था यार कि अल्लाह की कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उससे मोहब्बत करूं मैं तो या उससे नफरत कर सकता हूं कि मुझे किस मुसीबत में डाल दिया ये मैं जैनविन बात कर रहा हूं जिस तरह डॉक्टर इकबाल ने शिकवा जैनविन किया था तो मैं या तो उससे नफरत कर सकता हूं या मैं उससे डर के जिंदगी गुजार सकता हूं मोहब्बत का तो जज्बा कभी मेरे दिल में आएगा ही नहीं ऐसी हस्ती के लिए जिसने मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया इसके कि मैं उस पूरे प्लान को देखूं, शुरू से लेकर आखिर तक तो मैं कूंगा ओ ना ना ये तो कुछ भी नहीं है इसके बदले तो अल्लाह ताला मुझे दो क्वालिटीज ऐसी देने वाला है कि जो उसी की थी नंबर वन मुझे मौत नहीं आएगी और नंबर टू जो मैं चाहूंगा वो होगा तो फिर ऐसे खुदा से मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है वो वीडियो भी हदाय विक्ट्री चैनल के ऊपर हमारे भाई ने अपलोड की थी वाई आई लव गॉड मैं गॉड से क्यों मोहब्बत करूं <laughs> तो उसमें मैंने ये टर्म डिवाइस की थी तो जब लोगों ने इतराज किया तो फिर मैंने कुरान से मिसाल दी थी, थी। कि देखो हजर यूसफ्लाम ने क्या कहा कि तुम में से एक शख्स अनकरीब अपने रब को शराब पिलाएगा तो यूसुफ इस्लाम उस काफिर बादशाह को जहरा मुसलमान बादशाह तो नहीं शराब जो पी रहे उसको शराब पिलाने वाले को कह रहे हैं कि तू अपने रब को शराब पिलाएगा युसलाम युसल तो कोई एहतियात वाले अल्फाज कहते हैं नहीं अल्फाज का चुनाव इंजीनियर साहब ठीक करें यूसल्लाम का भी इन्होंने चुनाव ठीक करवाना था बल्कि ये युसलाम युसल का चुनाव अल्लाह ने कुरान में इंडोर्स कर दिया अब तो ये अल्लाह का भी चुनाव हो गया वह अमल आखर जबकि जो दूसरा है ना फयुस लबू तो वो अंकरीब सूली दे दिया जाएगा तयरु मर सि और परिंदे उसके सर से नोच के खाएंगे वो जो उसने देखा था ना कि वो मेरे सर के ऊपर एक टोकरा रखा जिस है जिसमें रोटियां और परिंदे खा रहे हैं तो वो उसे सूली दिया जाएगा और वो उसके मगज में से खा रहे होंगे तो कुदियल तो। अम्र ये फैसला हो चुका है अलदीफी ही तस तफ्तियान उस मामले का जो तुमने मुझसे दरियाफ्त किया ये अटल फैसला है ये अब बदलने वाला नहीं जहरा है उनको भी पता था कि वो जो छूटने वाला है ऐसे दोनों के लिए यही फैसला था कि अनकरीब फांसी दे दिए जाएंगे क्योंकि इसराइली रवायतों में मिलता है कि इन दोनों ने मिल के बादशाह वक्त को जहर देने की कोशिश की थी लेकिन ये जो था जो छोड़ दिया गया ये खानसामा था इसने एंड टाइम पर बादशाह को कहा कि आप ना खाइए उसका दिल पसीज गया लेकिन जहर डालने में तो वो शामिल था तो दोनों को उस वक्त तो जेल में डाल दिया गया बाद में साबित हुआ कि पीछे मास्टर माइंड वो था अगरचे यह भी आला कार बना लेकिन चूंकि इसने बादशाह की जान बचा ली लिहाजा इसे तो माफ करके उसी उसीदे पर बहाल कर दिया गया लेकिन जो मास्टर माइंड था जिसने जहर दिया था और इस खान सामने से डलवाया था उसके लिए फैसला हो गया तो अब ये किस दिल के साथ यूसल इस्लाम ने तावीर सुनाई होगी आप किसी बंदे को ये बता रहे हो कि अन करीब तेरे साथ ये होने वाला है तो उसने तो चीखो पुकार वहां शुरू कर दी होगी ना और वो उन्होंने फिल्म है उसमें तो बहरल उसे तोबा का मौका तो मिल गया कुरान ने तो इसको अन छोड़ा है लेकिन ये फिट इन बैठता है यूसफ्लाम ने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है तू अल्लाह पर ईमान ले आया है ये गुना भी तेरा माफ हो जाएगा मरने के बाद हमेशा की जन्नतें तेरा मुकदर है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ये पहले ही कह दिया कि ये फैसला अब हो चुका है ये ना हो कि कोई कहे हजूर तु दुआ करो को टल जाए मामला ऐसा क्योंकि अब्दुल कादर जी तो आई हुई तकलीफ को ख्वाब में टलवा देते हैं कहते हैं ना जी वो ख्वाब में टाल देते हैं तो अब मुझे बताएं अम्बिया कराम का फैसला ये है कि भाई अल्लाह के हजूर अफ तय पा चुके हैं अब कुछ नहीं हो सकता वकौल रब तो यूसुफ़ अस्लाम ने जिसके बारे में उन्हें ये यकीन था या वन का लफ्ज यकीन के मानों में आया कि वो अनकरीब निजात पा जाएगा जिसको उन्होंने कहा था कि तू अपने रब को शराब पिलाएगा उससे उन्होंने कहा कि तुम अपने रब के पास देखे इन द रबी का हाँ, आका नहीं कहा अपने रब के पास मेरा जिक्र करना यानी अपने बादशाह के पास क्योंकि कुछ दिन गुजर चुके थे यूसफिला इस्लाम ने तो देखें यूसफा इस्लाम ने तो सोचा ही नहीं था कि इन औरतों से जो बचने के लिए मैंने कैद इख्तियार की है तो यह दस साल के ऊपर मुहित होगी देखें जुल्फकार अली भुट्टो साहब जब जेल गए थे तो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि मेरी बेल हो जाएगी छोटी दालत से ना हो बड़ी से हो जाएगी अल्टीमेटली पब्लिक प्रेशर होगा मुझे कैसे कोई फांसी दे सकता है लेकिन वो देखें फिर कितना लंबा काम हुआ तो यहां पर भी यूसुफ अल इस्लाम ने उनको यह तो नहीं पता था कि भाई इतने सालों के लिए ठीक है कुछ अरसे के लिए ना एक महीना दो महीने जरा मामला ठंडा हो जाए मामले को ठंडा करने के लिए दस साल कैद में तो बहुत बड़ी आजमाइश है बहुत बड़ी आजमाइश है तस्वुर से इंसान कहां उठता है यार तो यह उन्होंने बिल्कुल ठीक किया उन्होंने उसको कहा कि यार आप जरा बादशाह से मेरा जिक्र करी यानी ऊपर वाली सुप्रीम कोर्ट में ये अजीज मिसर की बीवी ने मेरे साथ किया तू तो बादशाह क्या इतना करीबी है तो तुझे मौका मिले तो मेरा जिक्र करी कि इस तरह मेरे साथ तो इन्होंने ज्यादा की है इससे यह पता चला कि जायद इस बाबाब इख्तियार करना ब्याह की सुनत है इसमें कोई शिरक नहीं हो जाता वरना इससे बढ़कर कौन सी तोहिद वाला मामला था अक्सर लोग तो के मामले में बड़ा गलूब करते हैं वो कहते हैं जी आपने मखलूक से कोई सिफारिश करवा ली कुछ कह दिया तो ये भी शेर हो जाएगा डायरेक्ट अल्लाह से मांगना चाहिए भाई भई नबीस्म बुखारी में आता है कि जब गजबे बदर के कैदी लाए गए तो नबील इस्लाम ने क्या फरमाया था कि आज मुतम होता ना और मुझसे सिफारिश करता तो मैं सारों को छोड़ देता बगैर फिदिया लिए क्योंकि जब मैं ताइर से वापस आया था तो मुझे कोई बना नहीं दे रहा था और मेरे कतल के फतवे जारी हो चुके थे तो मुतहिम जो सरदार था उसकी गारंटी में दाखिल हुआ था तो इस्लाम भी इस तरह होता है भाई नबीस्लाम की पूरी जिंदगी मुआदों से पूरा ठीक है।, है कैदियों का भी तबादला तो होता है ठीक है किस तरह मामला आप लेके चले असबाब के साथ दुनिया को अल्लाह तक जोड़ा तो यहां भी यूसुफ इस्लाम ने कहा जिसके बारे में उन्हें यकीन था ना कि छूटेगा उनका कि यार बादशाह जिक्र करना इन्होंने मेरे साथ ये क्या कर दिया मुझे तो जेल में डलवा दिया अकबर जिक्र रबी तो शैतान ने भुला दिया उस शख्स को कि वो अपने रब के हुजूर यानी कि अपने मालिक के अलैहि सलाम की बेगुनाई का जिक्र करता बिद आसनीन बस यूसुफ अस्लम फिर कई साल तक जेल ही में रहे आ, बिद अरबी जुबान में दस साल से कम के लिए बोला जाता है और उमन नौ से दस साल के दरमियान तो ये ऑलमोस्ट दस साल उनको जेल की तकलीफ काटनी पड़ी तो इससे तो ये लग रहा है कि बस ये एक ही मौका मिला था यूसुफ अलीस्लाम को कि वो बात किसी तरीके से बाहर पहुँचा सकते थे वो पहुँचाई उन्होंने लेकिन उधर शैतान ने उसे भुला दिया यकीन शैतान ने भुलाया लेकिन अगर, अगर अल्लाह तला चाहता तो ऐसा ना होता ये अल्लाह तला की मशीयत में था कि शैतान उसके ऊपर मुसलत हो और इस्लाम की ट्रेनिंग मजीद हो वरना वो कैसे भूल सकता था और मुझे बताएं जो बंदा मौत के मुंह से निकल के आया हो और जिस बंदे की बिशारत के ऊपर आया हो ये समझ से बाहर है कि दस साल तक उस बंदे का दिमाग में जिक्र भी ना उसको कभी ख्याल आए अच्छा यही बात बुखारी में लिखी होती ना तो ने मजाक उड़ाना था आज किस तरह हो सकता है जी अब कुरान में ये वाक्य आया इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे वो कहेंगे नहीं जी कुरान में आया ना जी ऐसे हो गया होगा हालांकि लॉजिकली कोई बात समझ नहीं आती है कि ये इतनी बड़ी भूल चूक कैसे हो गई कि जब दो बंदे कत्ल के फतवे जारी हैं एक बंदा सूली भी चढ़ गया है और इस बंदे ने फिर उस मंजर को वेट भी किया है ये जो छूटा था ना वो इस रियालियात में तो फिर तफसील है ना चूंकि ये दोनों फिर दोस्त थे ये दोनों इस्लाम पे ईमान भी ले आए तो जब उसे सूलि गया तो ये मंजर भी देख रहा था लेकिन फिर भी ओवर लुक हो गई वो चीज और फिर दस साल तक ओवर लुक रही चले वो वकती तौर पर भूल जाता बाद में वो अपने जब बच्चों को बीवी को जेल के किस्से कहानियां तो सुनाता होगा भी मैंने तकलीफ काटी तो ये हुआ तो मुझे तो पहले ही बशारत मिल गई यकीन ऐसा होता होगा आप नॉर्मल जिंदगी में देखें ऐसा ही होता है तो ये बहुत एक्स्ट्रॉनडी बात है कि उस शख्स का भूल जाना सवाए इसके के वक्ती तौर पर तो, तो शैतान ने उसे भुला दिया लेकिन फिर अल्लाह ताला की मशीत भी यही हुई कि यूसुफ सलाम इस तकलीफ को काटें और इसके बाद अल्लाह ताला उन्हें आला दर्जे के ऊपर फायज करें और आने वाली दुनिया के लिए उनकी मिसाल दी जाए और आप देखें कि इस सूरत के अंदर जहां कहीं और मॉरल लेसन है ना नौजवानों के लिए कितना बड़ा मॉरल लेसन है कि अपनी इफत और इसमत की आपने हिफाजत करनी है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके लिए रोल मॉडल है इस एतबार से कि इस लेवल के ऊपर कि उन्होंने अपनी इफत और इसमत की हिफाजत की खातिर ना करदा गुनाह की भी सजा काट ली और इतनी लंबी सजा इस तरह का शायद ही कोई और वाकया हुआ हो या इसके करीब करीब ही कोई और वाक्य हुआ हो कि किसी ने गुनाह से बचने के लिए इस तरह की सजा काटी हो यह अल्लाह तला ने उन्हें एक रहती दुनिया के लिए इस हवाले से जिंदा रखना था कि अगर अल्लाह ने उन्हें हुसन दिया था तो फिर अपनी इफत और इसमत की हिफाजत करना भी सिखाया था यूसुफ अल बेशक एक रिमार्केबल पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर हमारे नबी रश्क करें वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी होगी कि बुखारी के अल्फाज है कि लोग आके पूछ रहे हैं बताएं लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है तो कहा करीम इबन करीम इबन करीम इबन करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम फिर नबील इस्लाम ने फरमाया बाप भी पैगंबर दादा भी पैगंबर पर दादा भी पैगंबर और फिर बुखारी में एक और हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह यूसुफ पर रहम करे मैं उसकी जगह होता तो जब बादशाह का एलची आया था तो मैं उसकी दावत कबूल करके बादशाह के दरबार में चला जाता दस साल की कैद जिस बंदे ने काटी हो लेकिन उसने क्या कहा जाओ अपने बादशाह के पास वापस उसे कहो कि जरा पता लगवाओ कि उन औरतों का क्या वाक था जहर जवानी के दस साल छीन लिएतों ने जवानी के दस साल पीक एज में तो नबी इस्लाम ने यूसुफ की तारीफ की है कि कमाल की उनके अंदर आला दर्जे की गैरत थी हालांकि उस वक्त भी वो चले जाते कोई मसला नहीं था बादशाह बुला रहा था लेकिन उनका नहीं मैं कैद से उस वक्त तक नहीं निकलूंगा जब तक कि मुझे मुकदमे में क्लियर ना किया जाए कि उन औरतों का कसूर था और वह क्लियर हुआ फिर यूसलाम आए नबी इलास्लाम ने यूसलाम की तारीफ की कि देखो तकलीफ लादा से काटी और जब छुटकारे का वक्त आया फिर भी नहीं छूटे कहा कि नहीं मुझे बाइज्जत बरी किया जाए और वो जो मुखालफी हैं वो अपने गुना का इतराफ़ करें ठीक है और वो भी आप आगे पढ़ेंगे कि यानी वहां पर इस्लाम ने फिर अपनी आर्जी का इजहार किया कि मैं ये दावा नहीं करता कि मैं पाकबाज हूं नफ्स तो बुराई की तरफ मादा करता है मगर जिसको रब बचा ले मुझे रब नहीं बचाया था उस वक्त भी उन्होंने अपना जिक्र नहीं किया यह पैगम्बरों की खूबी है अलहमद इसलिए आप देखें हमने अपना तकिया कलाम बनाया हुआ है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ पहला इसमें आज़म यही पढ़ता हूँ कि नहीं है कुव्वत नेकियां करने की और ना है हिम्मत गुनाहों से बचने की मगर उसकी तौफीक से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इससे बड़ा कोई इसमें आज़म नहीं है इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं है ये बुखारी मुस्लिम में नबीलाम ने कहा मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना देता हूँ वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अब इनशाला अगली क्लास के अंदर इस्लाम के लिए जो एक रास्ता खुला उस कैद खाने से निकलने का उसका जिक्र आएगा और अगली आयात स्टार्ट होंगी अगला रुकू उस ख्वाब से जो फिर बादश वक्त ने भी देखा अब देखेंगे ख्वाबों के साथ ही सारे मामला चल रहे हैं और यूसल इस्लाम को भी अल्लाह त वह इम्ब सिखा दिया अल्लाह तला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताली हमारे दिलों में रासिक फरमाए अगर जज्बा में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ़ कर दे धो दे हमें माफ़ भी फरमा दे हमें सुन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तोफ़ी किताब फ़रमाए सुबह अरदुल्लास्तक फिर अतूबू बमाइनाबिलान जजाकमल